नमस्कार दोस्तों, आपका स्केच ऑफ स्टोरी में स्वागत है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं कोई चैप्टर का एपिसोड डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, लेट इसलिए हो गई क्योंकि मेरे PT 1 चल रहे थे। तो अब उसके लिए मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ। और आगे के लिए तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के एपिसोड नंबर 4 में, यानी इस एपिसोड में, मैंने इस चैप्टर का काम तमाम कर दिया है। यानी कि ये आखिरी एपिसोड है, उसके बाद तुम्हें इस चैप्टर से आज़ादी मिल जाएगी। बस इन 4 एपिसोड को अच्छे से देखना, समझना और पेपर में कर आना। तो चलो, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था कि एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब मैं तुम्हें बता दूँ, मेन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये 4 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल समेत इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, एक ना एक की ज़रूर एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। अब आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। ये पहला रिएक्शन है तो ये सबसे ईजी भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नाम से ही समझो, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना। 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, जब 2 रिएक्टेंट्स या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर काम करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना कि प्रोडक्ट एक ही होगा, 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा। तो अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लैम भी कहते हैं, जब उसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो वो हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस मींस स्लेग लैम। भाई ये चूना होता है, जब हम चूने में पानी डालते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वो चूने की एक लिक्विड फॉर्म यानी जो घुली हुई एक्वस सॉल्यूशन होता है वो। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलकर 2 रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो भी होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारा सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई ये थोड़ा टेढ़ा रिएक्शन है तो इसे ध्यान से समझना। वैसे तो ये बिल्कुल उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, पर ये रिएक्शन ऐसा है जो कि खुद 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो उससे पहले इसकी डेफिनेशन जान लो। जैसे कि मैंने बताया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, यानी कि उसमें जब 2 रिएक्टेंट होते हैं वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें एक रिएक्टेंट होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। और इसके टाइप्स हैं फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताए, अब इन्हें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जब रिएक्शन एनर्जी यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट को एब्जॉर्व करके वो एनर्जी को यूज़ करता है। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। एक बार NCERT की बुक खोल के देख लेना, उसमें इसके बारे में क्लियर तुम्हें बता दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है। क्योंकि ऐसे मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें अच्छे से समझ आ भी जाएगा, पर फिर तुम भूल जाओगे, पर बुक में पढ़ोगे तो वो तुम्हें याद रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें प्रीफर करूँगा कि तुम बुक से पढ़ो और इसे ध्यान रखना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इनके नाम वगैरह जो है ना, वो केमिकल अलग हैं और जो नॉर्मल भाषा में हम यूज़ करते हैं वो अलग है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी यूज़ होती है हीट की फॉर्म में, तो इसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड आ जाते हैं फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जैसे किसके नाम से पता लग रहा है, फोटोलिसिस यानी जब वो रिएक्शन एनर्जी यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड यानी 2AgCl। 2 मैंने बैलेंस करने के लिए लगाया है, पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था। वो ब्रेक डाउन होता है 2 or more प्रोडक्ट में, जो कि है सिल्वर प्लस क्लोराइड। तो ये होता है हमारा फोटोलिसिस, जो रिएक्शन होता है हमारा सनलाइट की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पार्ट पे आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस से तुम्हें समझ ही आ रहा होगा,
जब रिएक्शन एनर्जी यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, H2O यानी वाटर गिव्स H2 प्लस O2। तो अब इसमें ज़्यादा समझाने लायक तो कुछ है नहीं, इसे एक बार पढ़ लेना और इसकी क्वेश्चंस लिख लिख के देख लेना, क्योंकि भाई देखो ये चैप्टर ऐसा है कि समझ में तो तुम्हें आ जाएगा पर अगर जब तक तुम इसे लिख कर नहीं देखोगे ना तुम बोर्ड तक यार इसे याद नहीं कर पाओगे, और एक बार याद करने के बाद अगर तुम भूल गए तो तुम्हें दोबारा शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अभी जो मैंने तुम्हें तीन बताए वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन पार्ट्स थे, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसकी जगह आके उसे हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, जहाँ पर Fe हमारा मोर रिएक्टिव था और Cu हमारा लेस रिएक्टिव था। जैसे कि Fe के पास ज़्यादा ताकत थी और Cu थोड़ा कमज़ोर था, तो Fe ने अपनी ताकत का करिश्मा दिखाते हुए Cu को भगा दिया और SO4 के साथ मिल गया और Cu बेचारा अकेला रह गया। अब क्या करें यार, जैसा हम कमज़ोर बच्चों के साथ होता है वैसा कमज़ोर मेटल्स के साथ भी होता है, ये दुनिया जाली में यार। चलो छोड़ो, हम अपने टॉपिक से नहीं भटक कर आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज़, ये नॉन मेटल्स और मेटल्स वाले चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर में गिवन है, तो तुम उससे पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है। इसमें मैंने शायद हाइड्रोजन नहीं लिखा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर हाइड्रोजन सिल्वर और गोल्ड। यहाँ पर पोटेशियम हाई रिएक्टिव है और गोल्ड हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे हम गोल्ड के ऊपर जाते जाएंगे हमारा मेटल और रिएक्टिव होता जाएगा, और जैसे जैसे हम पोटेशियम के नीचे आते जाएंगे तो हमारा मेटल लेस रिएक्टिव होता जाएगा। अब आते हैं हम अपने आखिरी रिएक्शन पे। ये रिएक्शन ज़्यादा समझने वाला तो नहीं है पर इसकी वेटेज बहुत है। पहला पॉइंट एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये रिएक्शन होता क्या है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, Na2SO4 प्लस BaCl गिव्स NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पर Na हमारा पॉजिटिव है, SO4 हमारा नेगेटिव है, Ba हमारा पॉजिटिव है, Cl हमारा नेगेटिव है। तो जो हमारा नेगेटिव था उसने अपना पॉजिटिव छोड़ के दूसरे का पॉजिटिव ले लिया। ये सही है मेटल, अपने पास जो है उससे खुश होते ही नहीं है, हमेशा दूसरे के माल पे नज़र डालते हैं। भाई लोग तुमसे मेरी वो रिक्वेस्ट है, तुम ऐसा काम मत करना क्योंकि किसी दिन मार खाओगे फिर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये मैं बताता हूँ। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल पार्ट होता है हमारे किसी भी सॉल्यूशन का, यानी कि हमने कोई सॉल्यूशन बनाया और उसमें वो चीज़ डिजॉल्व नहीं हुई और हमें नेक टाई से दिख रही है साफ साफ, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और वही हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तुम बोलोगे भाई तूने तो चार ही रिएक्शन बताए थे, भाई ये समझ लो वो मेन पिक्चर के हीरो थे और ये साइड एक्टर हैं। तो अब साइड एक्टर का काम सुन लो, काम इनका भी ज़रूरी है पर मेन केमिकल रिएक्शंस वही है। अगर तुमसे पेपर में पूछा जाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और वो अगर ज़्यादा नंबर का है तो उसमें ये ज़रूर इंक्लूड करके आना, वरना टीचर को तुम्हारे नंबर काटने में देर नहीं लगेगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की एडिशन और हाइड्रोजन की रिडक्शन, यानी कि जब हाइड्रोजन हमारे एक कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें से रिड्यूस होता है तो भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तब भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें दो बातें हैं, अगर ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिड्यूस होना। जैसे कि एग्जांपल है हमारा 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। जहाँ पर कॉपर अकेला था और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं रिडक्शन पे। जैसे कि ये हमारा ऑक्सीडेशन था, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। एग्जाम्पल Na प्लस H2 गिव्स NaH, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इन्हीं रिएक्शंस में एक नया रिएक्शन निकल के आता है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब आधे से ज़्यादा लोगों को साइमल्टेनियसली, अबे क्या है यार साइमल्टेनियसली का मतलब ही नहीं पता होगा, मतलब छोड़ो यार बोलना ही नहीं आ रहा। तो मैं तुम्हें बता दूँ,
भाई इस शब्द का मतलब होता है जब कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साथ में काम करते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, यहाँ पर कि हमारा कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो भाई यही था तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन। अब आते हैं कोरोजन पे। पहली बात निकल के आती है ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक इफ़ेक्ट है। अब कोरोजन होता क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अब तुम बोलोगे भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी वही रिएक्शन है, भाई नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल मीन्स जब कोई मेटल ख़राब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है रिएक्ट होने वाटर और एयर के साथ रिएक्ट होने के बाद, उसे हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे हमने कोई अलमीरा ली, नहीं वो शुरुआत में तो बहुत चमकती है पर लास्ट में उसमें जंग लगने लग जाता है। जंग क्यों लगता है? क्योंकि वो जो उसके अंदर जो मेटल होता है वो एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करके ख़राब हो जाता है, उसे ही हम कोरोजन कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। एक और एग्जांपल ले लो, जो कॉपर होता है वो ब्राउन होता है पर हवा के साथ मिलकर वो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। उसका रिएक्शन मैंने नीचे लिख रखा है, Cu+O2 gives CuO। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कोरोजन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ध्यान से सुनना। कोरोजन से कार, ब्रिज, शिप्स और बहुत सारी चीज़ें जो आयरन से बनी होती है वो ख़राब हो जाती है, और एक देश में मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ जो वेट आयरन होता है वो उस देश में ख़राब हो जाता है, यानी कितनी वेस्टेज ऑफ आयरन होती है कोरोजन की वजह से। तो ये एक बहुत ही ख़राब मेथड होता है। अब आते हैं रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी होती है ऑक्सीडेशन ही पर खाने में, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स विच आर वॉलेटाइल इन नेचर प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। समझ में आया? मेरे को तो नहीं लगता। इसका मतलब है कि भाई खाने का ख़राब होना हवा के साथ मिलकर, सीधी सी बात है जब हवा के कांटेक्ट में खाना आता है और रिएक्ट करता है तो वो ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल भी ख़राब हो जाती है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अगर बारिश के सीज़न में हम चिप्स ऐसे रखे होते हैं तो वो सील जाते हैं जिससे उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो उनकी रेंसिडिटी हो जाती है। अब अगला सवाल उठता है कि रेंसिडिटी से बचा कैसे जाए? भाई सीधी सी बात है, फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखो जहाँ पर से उसे हवा का कांटेक्ट ना हो पाए खाने का, और जो वेफर्स होते हैं उनके पैकेट्स होते हैं चिप्स वगैरह उनमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, और जो कुकिंग फूड होता है उसे हम फ्रिज में रखते हैं जिससे वो ख़राब ना हो एट लो टेम्परेचर। तो बस भाई यही था रेंसिडिटी, इससे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे इनसे ही बनेंगे। अब यही थी कहानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की मेरी ज़ुबानी। यार तुमने बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा क्या नाम है, तो भाई मैं 10th क्लास में ही पढ़ता हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। और कौन से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ भाई ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता, सॉरी। और भाई मैं अभी अपना नाम बताऊँगा नहीं, समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूँगा। और भाई ये चैनल मैंने पढ़ाई के लिए बेसिकली नहीं बनाया था, तो तुम्हें बाद में मैं इसका रीज़न बताऊँगा कि मैंने ये चैनल पढ़ाई में क्यों कन्वर्ट करा और आगे मैं इस चैनल पर क्या क्या करूँगा। तो पहले तुम्हारे चैप्टर्स तो कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों के बारे में सोचूँगा। तो बस भाई इसी के साथ एक लंबे चौड़े चैप्टर का शटर बंद होता है। तो अब आती है बारी मॉरल की। अरे नहीं यार मॉरल नहीं दूंगा, वरना तुम मेरा पूरा कमेंट सेक्शन BKP copy, BKP cheating, BKP copy। तो बस भाई खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वो जो घंटा दिख रहा है ना उसे भी दबा देना।